अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का फजल और करम के साथ आज का व्लॉग आप शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अभी जितनी बात कर रहा था तभी बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ और मोबाइल देखने के लिए आ गया कि कौन आया है। आज का व्लॉग है कि आज हम जा रहे हैं वाले साहब के साथ अपने गाँव अपने ददयाल। तो आए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। गाड़ी में हम बैठ चुके थे, वो थोड़ा सा वीडियो मुझसे नहीं बना था, लेकिन सही तरीके से नहीं बन सका। जी, अब हम रेवेंट पहुंच चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी रेवेंट ने हमें मायूस नहीं किया और हमें एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत ट्रैफिक जाम से सामना करना। अब जब भी रेवेंट से गुजरेंगे आपको इसी तरह के ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। घंटों लग जाते हैं ट्रैफिक जाम में। यहाँ पे भी तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और इससे आगे जहाँ पे वो सामने ट्रक नजर आ रहा है वहाँ पे जाकर तो हम तकरीबन 1 घंटा खड़े रहे थे। ये ट्रैफिक जाम खुल चुका है और ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना शुरू हो गई है। जी, अब हम मोड़खुंडा पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने जाना था मोड़खुंडे। पहले हमारी दावत थी मामू के घर, हमारी भी थी और मैंने कुछ और ददयाल वालों की भी थी दावत। तो अभी हम इधर मोड़खुंडा बाहर बाईपास पे उतरे हैं और अब हम रिक्शे में बैठ के तो मामू के घर की तरफ जा रहे हैं। रिक्शे वाले ने अपने स्टॉप पे रिक्शे को स्टॉप किया और यहाँ से अब हम नहर के साथ साथ पैदल जाएंगे मामू के घर और वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे का स्टे करेंगे और फिर वहाँ से हम अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे। नहीं जी, मामू के घर दावत तो शुरू होगी लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी। इस तरह से मैंने तो खाना नहीं खाया लेकिन ये सभी लोग खाना खा रहे हैं और मेरी तरफ देख के हंस भी रहे थे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा कज़न है, उसके साथ मेरा चाचू बैठा हुआ। खाना खाने के बाद हम मोटरसाइकिल यहाँ से ली और अब हम गाँव की तरफ निकल पड़े हैं। ये हमारे गाँव की तरफ रोड जा रहा है। स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी, इधर भी गाँव में भी स्मोक थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी सिटीज़ में है, लाहौर वगैरह में है। ये मैं और मेरे वाला साहब और साथ वाली मोटरसाइकिल पे मेरे ताया जी हैं, मेरे वाला साहब के मामू के बेटे हैं और साथ में उनका बेटा है, वो भी उधर गांव में रहते हैं और हम दोनों मोटरसाइकिलों पे अब गांव की तरफ जा रहे हैं।
ये जी अब हम गांव में पहुंच गए हैं और ये सीधा रास्ता हमारे घर की तरफ जा रहा है। ये वो काम है कि जिस वजह से हम कसूर से गांव की तरफ आए हैं, क्योंकि आज हमारी फसल की कटाई हो रही है, चावल की फसल आ गई है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह एक कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। और व्लॉग देखने का शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप सब लोगों को मिलती रहे। तो जी आप अपने व्लॉग का करते हैं इख्तिताम, आप सबका अल्लाह हामी और नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।